नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का एक वीडियो सामने आया, इसमें वह कह रहे हैं कि राज्य में बिना कमीशन दिए कोई काम नहीं हो सकता। अभी पता नहीं चल पाया है कि ये वीडियो कब का है, लेकिन इसमें बीजेपी नेता राज्य में कमीशन खोरी पर दुख जताते नजर आ रहे हैं। वीडियो में रावत कह रहे हैं, भले ही मैं मुख्यमंत्री रहा हूं और शायद ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे ये स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जब हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए थे तो वहां सार्वजनिक काम को करने के लिए 20% तक कमीशन दिया जाता था। अलग होने के बाद ये उत्तराखंड में जीरो हो जाना चाहिए थी, लेकिन ये जारी रही और हमने 20% के साथ शुरुआत की। पौड़ी से बीजेपी सांसद ने कहा, पहाड़ी राज्य उत्तराखंड को 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग कर बनाया गया था। तब मुझे कहा गया कि उत्तराखंड में कमीशन के रूप में एक निश्चित प्रतिशत का भुगतान किए बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता है। कमीशन खोरी उत्तर प्रदेश में प्रचलित एक प्रथा थी और दुर्भाग्य से ये उत्तराखंड में जारी है। रावत ने कहा कि हालांकि किसी को विशेष रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, ये एक मानसिकता है। ये तभी दूर होगी जब हम अपने राज्य को अपने परिवार के रूप में देखने लगेंगे। बता दें कि उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी सत्ता में है। पूर्व मुख्यमंत्री का विवादों से पुराना नाता रहा है। पिछले साल मार्च में रावत ने देहरादून में एक वर्कशॉप में महिला के रिब्ड जींस पहनने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था, आजकल महिलाएं भी फटी जींस पहनती हैं, उनके घुटने दिखते हैं, ये कैसे संस्कार हैं, ये संस्कार कहां से आ रहे हैं, इससे बच्चे क्या सीख रहे हैं और महिलाएं आखिर समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं। फटी जींस हमारे समाज के टूटने का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। इससे हम बच्चों को बुरे उदाहरण दे रहे हैं जो उन्हें नशीले पदार्थों के सेवन की ओर लेकर जाता है। अब हम अपने बच्चों को कैची से संस्कार दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने बाद में इस बयान के लिए माफी भी मांगी थी। इससे पहले उन्होंने भारत की आजादी को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने भारत को 200 साल तक गुलाम बनाया। तीरथ ब्रिटेन की जगह अमेरिका बोल गए थे। वहीं हरिद्वार में नेत्र कुंभ का उद्घाटन करते हुए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान राम से की थी। उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में हम नरेंद्र मोदी को भी राम की तरह मानने लगेंगे। द्वापर और त्रेता में राम कृष्ण हुए हैं। राम ने भी समाज के लिए काम किया था, इसलिए लोग उन्हें भगवान मानने लग गए। वही काम प्रधानमंत्री इस देश के अंदर कर रहे हैं। आने वाले समय में हम नरेंद्र मोदी को भी उसी रूप में मानने लगेंगे।